वेलकम टू टेक्सियस इंजीनियरिंग। हेलो स्टूडेंट्स, हियर आई एम हिमांशी अग्रवाल। हियर आई एम एक्सप्लेनिंग इफ स्टेटमेंट विद फोर लूप प्रोग्राम इन सी, सी प्लस प्लस, सी हैज जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरी तीन वीडियोस इस इफ स्टेटमेंट के ऊपर आ चुकी हैं, जिसमें मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने ओवरव्यू ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था, और भी बेसिक्स नॉलेज इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया था। मेरी दूसरी वीडियो में इफ स्टेटमेंट विद प्रोग्राम के ऊपर थी, और इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट कैसे रन कराया जाता है, ओनली इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये मेरी दूसरी वीडियो में था। और जो मेरी लास्ट वीडियो जो थी, जिसमें आपने इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और आपने एक इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखा था, आज हम वही प्रोग्राम फिर से ले रहे हैं। एक आपने इंटीजर्स लिए थे, मतलब आप कोई भी एक इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट करा रहे थे और उस वैल्यू को चेक करा रहे थे कि ये इवन है, ये तो ओनली इवन चेक करना था, तो वो अपन ने इफ स्टेटमेंट में देखा था आप लोगों ने और समझा था। इसमें दूसरी जो लास्ट वीडियो हमारी थी उसमें आपने अगर इवन है या ऑड है ये हमने चेक कराया था, कोई भी अगर यूजर इनपुट दे रहे थे हम तो उस इनपुट को हम चेक करा रहे थे या तो ये इवन होगा या ऑड होगा। तो आज हमने जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं वो हम फोर लूप के साथ लेकर के आए हैं। अब हम इसमें एक लूपिंग स्टेटमेंट चलाएंगे 1 2, और जो हम यूजर से इनपुट कराएंगे यानी कि एन नाम का अगर हमने वेरिएबल लिया है तो उसमें हम यूजर से इनपुट कराएंगे, तो वहां से लेकर के 1 से लेके एन तक लूप को चलाएंगे, और उसके बाद में जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है उस वैल्यू को हम जैसे 1 है तो लूप में चला करके 1 to n जो भी नंबर्स आते जाएंगे वाया लूप उन सब नंबर्स को हम चेक कराएंगे कि कितने इवन नंबर्स आए और कितने ओड नंबर्स आए, है ना, तो कितने इवन इंटीजर हैं और कितने ऑड इंटीजर्स हैं। ओके, तो आज हम यही प्रोग्राम बनाने वाले हैं। जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम में कंडीशन दी थी, वैसे ही इस फोर लूप की हेल्प से इफ एल्स स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम आप इस वीडियो में सीखेंगे उस प्रोग्राम में भी कंडीशन उसी तरह ही देनी है। इफ के अंदर ही कंडीशन दी जाती है जो भी हमें कंडीशन फुलफिल करानी होती है, और एल्स से अगर इफ की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स से स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है एल्स का। तो ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आगे हम इस वीडियो में और अच्छे से क्लियर करेंगे, यानी कि हम आप लोग को बिल्कुल क्लियर कराने वाले हैं कि इफ और एल्स स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है आज इस वीडियो में। तो आप इसमें अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो इसमें आपको ये देखना है कि फोर लूप के साथ में इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे इसमें कंडीशंस दी जाती हैं, कैसे लूप चलाया जाता है, कैसे प्रोग्राम इसका रन होता है, और भी बहुत कुछ आप इस सिंगल वीडियो में फोर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आप सीखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन रेज होता है या आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज इस वीडियो में या इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फ्रीली। मैं आपके हर एक क्वेश्चंस के ऊपर एवरी संडे एक न्यू वीडियो बना करके लेके आऊंगी, आप मुझसे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो लाइक दिस वीडियो, share this video or subscribe my channel. This is my beginner to advanced programming course for our technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay,
So I uploaded some videos related to this course on this channel. So subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new latest uploaded videos. Okay. So now we start today's session. Today's our topic is if else statement with for loop program. In C, C++, C has Java, Python programming language. जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बताने जा रही हूँ. आज आपको एक और प्रोग्राम बनाना है इफ एल्स स्टेटमेंट का और आप उस प्रोग्राम को अच्छे से सीखेंगे. तो उस प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे देखते हैं. फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम है ये. तो ये प्रोग्राम कैसे बनता है ये भी आप देखेंगे, कैसे वर्क करता है ये भी आप देखेंगे और सीखेंगे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को एक वेरिएबल लेना होगा. उस वेरिएबल में आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी होगी. उस वेरिएबल की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है, एक से उस वैल्यू तक आप फॉर लूप को चलाएंगे और इफ की हेल्प से एक से लेकर यूजर की दी हुई वैल्यू तक वन बाय वन नेचुरल नंबर्स को या इंटीजर नंबर्स को चेक कराते जाएंगे. तो अभी हम लूप चला रहे हैं वन से लेकर के, इसलिए हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं. इंटीजर तो नेचुरल भी होते हैं, होल भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, बट हम यहाँ वन से चला रहे हैं इसलिए हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं. और पाइथन में हम होल नंबर से चलाएंगे क्योंकि पाइथन में रेंज वर्क करती है, तो रेंज हमेशा जीरो से चलती है, इसलिए हम वहाँ होल नंबर चलाएंगे. लेकिन यहाँ हम नेचुरल नंबर से चला रहे हैं. अगर आप चाहो तो यहाँ भी नेचुरल नंबर से चला सकते हो. वो प्रोग्राम आप मुझे बना करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली कह सकते हैं. मैं आपके ऊपर, आपके इस क्वेश्चन के ऊपर, होल नंबर के ऊपर एक वीडियो और लेके आऊंगी. ओके. तो आपको क्या करना है कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वहां तक आपको लूप चलाना है और उसमें देखना है कि भाई कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है. ओके, ये सिंपल सा प्रोग्राम है. तो ओके, नाउ मूव टू अवर प्रोग्राम स्क्रीन. ओके, सो दिस इज माय प्रोग्राम स्क्रीन. दिस इज प्रोग्राम इज ऑनलाइन कंपाइलर. इसमें हमने वही, सबसे पहले आप लोग को क्या लेना होता है, हेडर फाइल stdio.h. कैसे ली जाती है, has include stdio.h. stdio.h हमेशा एंगुलर ब्रेसेस में लिखा जाता है. इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सर्च करके भी देख सकते हैं. ओके, सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय न्यू लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस. अब हमने यहाँ पर एक हेडर फाइल बनाई है stdio.h, has include stdio.h. फिर हमने एक मेन फंक्शन लिया int main, क्योंकि यहाँ पर भी हमको इंटीजर वैल्यू से ही वर्क करना है और यहाँ पर हम पूरा वर्क इंटीजर के ऊपर ही कर रहे हैं, इसलिए हमने int main करके एक मेन फंक्शन लिया है. और मेन फंक्शन में ऑलवेज मेन फंक्शन के बाद सी और सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रेस, वो सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगता है ना. उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं एन और एम. देखो इसके बाद हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स लिए हैं एन और एम. एन और एम दो वेरिएबल्स लिए हैं. उन वेरिएबल्स को क्यों लिया है, एक एन वेरिएबल लिया है और एक एम वेरिएबल लिया है. तो एन हमने इसलिए लिया है कि एन को हम एन पर हम लूप चलाएंगे और एम तक चलाएंगे. लूप चलाने के लिए तो एक वेरिएबल चाहिएगा, तो लूप चलाने के लिए हमने जो वेरिएबल लिया है वो है एन और चलाएंगे हम एम तक. तो ये हो गया हमारा लूपिंग स्टेटमेंट भी चलेगा इसमें. तो लूपिंग स्टेटमेंट के लिए हमको दो वेरिएबल लेने पड़े है ना, क्योंकि वो जो लूप की वैल्यू है उसी को तो हम इफ और एल्स स्टेटमेंट में चेक कराएंगे जिस पे लूप चलेगा वही. तो देखते हैं कैसे. तो इसमें
वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको हर एक लैंग्वेज का हर एक डाउट आपको क्लियर होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या किया है हमने, जैसे एन और एम दो इंटीजर लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले एम में वैल्यू स्टोर कराई है। तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमने प्रिंट ऐप से एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है कि हमको ऐसी वैल्यू स्टोर करानी है जो इंटीजर टाइप हो, इसलिए हमने क्या स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू उसको प्रिंट कराना है हमको, यानी इंटीजर वैल्यू पर हमको वर्क कराना है अपने प्रोग्राम में, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है, एंटर एन इंटीजर। अब हमने स्कैन एफ में इंटीजर का टाइप दिया क्योंकि हमको सी में हर एवरी जगह पर हमको अपना वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंट डी लिया है। अब परसेंट डी के बाद में लॉजिकल एंड एम, एम में वैल्यू स्टोर कराने के लिए सी में जब भी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो लॉजिकल एंड के बाद में अपना वेरिएबल लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड एम ले आए हैं। ओके, तो इससे हमारी वैल्यू स्टोर होगी इसमें एम में। अब हम जो फोर लूप चलाएंगे वो एन पर चलाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एन इक्वल्स टू वन, एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, एन प्लस प्लस। ओके, जैसे हम आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एम, आई प्लस प्लस ले रहे थे तो वही हमने आई की जगह पर एन ले लिया है, बस सिंपल है। अब हमने क्या किया इसमें, देखो आपको इसमें सबसे ज्यादा कर्ली ब्रेसेस का फोकस करना है। जैसे आपने हेडर फाइल बनाई, हेडर फाइल के बाद कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगता, लेकिन आपने जैसे ही देखो यहाँ पर आपने मेन फंक्शन बनाया तो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, तो मेन फंक्शन का एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, उसका क्लोज होगा नीचे कहीं भी जब आपको मेन फंक्शन खत्म हो, यानी कि आपका प्रोग्राम खत्म हुआ था। ओके, पूरा प्रोग्राम अपना मेन फंक्शन में लिखा जाता है। अब उसके बाद में जब आपने फोर लूप की बॉडी बनाई तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस बनाया, ये कर्ली ब्रेसेस बाय डिफॉल्ट है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ हमने फोर लूप बनाया, फोर लूप के अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट बनाया और उसके अंदर हमने एल्स, उसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट बनाया। तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो इसमें क्या है, देखो इंट मेन फंक्शन लिया अपन ने तो उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और उसके बाद में फोर लूप लिया तो फोर लूप का कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, फोर लूप के बाद में फिर इफ स्टेटमेंट का किया है। फोर लूप आप समझ गए कि फोर लूप कैसे बनाया है, इसमें आई की जगह पर एन ले लिया है और एन इक्वल्स टू वन, एन लेस देन इक्वल्स टू एम लिया है हमने, यानी कि एम तक हमको लूप चलाना था, और एन प्लस प्लस लिया है। ओके, तो अब हमने क्या लिया, जैसे एन की वैल्यू वन है तो अब जो वन वैल्यू है पहले वन पे लूप चलेगा ना, क्योंकि वन से कंडीशन मैच करेगा, तो एम से छोटा है, एम की जो भी वैल्यू देंगे हम उससे छोटा आएगा। जैसे हमने एम की वैल्यू 5 दे दी तो वन से 5 तक लूप चलेगा, तो वन, अब वन तो 5 से छोटा है तो 5 से लूप चल जाएगा, तो 5 पे लूप चलेगा, तो इसमें क्या आएगा, अब इफ में जाएगा सबसे पहले, इसकी लूप बॉडी में सबसे पहले इफ है, तो इफ में जाएगा, इफ में जाके चेक करेगा कि इफ क्या कह रहा है। तो इफ ये कह रहा है कि इसमें जो कंडीशन दी है कि भाई एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 होगा तो हम इसे अप्रूव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 होगा तो ही अप्रूव करना है, वरना नहीं करना है। तो वन आएगा, एन परसेंट टू इक्वल इक्वल वन आएगा, तो ये अप्रूव नहीं करेगा। तो ये इधर एल्स स्टेटमेंट का जो भी होगा स्टेटमेंट एल्स का वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बन है या तो 0 आएगा या बन आएगा, क्योंकि 2 से जब भी अपन किसी भी इंटीजर वैल्यू को या किसी भी नेचुरल नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो या तो बन आता है या 0 आता है। अगर बन आएगा तो ओड है और 0 आएगा तो इवन है। ओके, तो इसमें हमने बन लिया, मतलब बन नहीं लिया, बन आया, क्योंकि बन हमने वैल्यू दी इसको, लूप लूप में जो वैल्यू आई बन आई। ओके, तो
उसके बाद हमने क्या किया इसमें, देखो अब वन की वैल्यूज होती, अब लूप क्या करेगा, अब आप ये देखो, हमने जैसे आपको बताया था कि लूप ऐसे वर्क करता है, तो इसमें हमने बन दिया, तो बन जब हमारा लूप में गया, लूप में जाने के बाद जब लूप में चला कंडीशन चेक होने के बाद, तो n% 2 इक्वल तो बना रहा था, तो बना रहा, तो फिर एल्स वाला चल गया, अब फिर से 2 गया क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ वन से, लूप से, लूप से यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होकर के फिर 2 हुआ, अब जो 2 है वो हमारी कंडीशन में जाएगा, इनिशियलाइजेशन ओनली बन टाइम होता है, उसके बाद में इंक्रीमेंट और कंडीशन वर्क करती है लूप में, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 2 से, 2 हमारा कंडीशन में गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, फिर इसमें गया तो 2 n% 2 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है, क्योंकि 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो इफ वाला कोड चलेगा, और 1 आएगा तो एल्स वाला कोड चलेगा, है ना, तो इसमें 0 आया तो 0 वाला कोड चलेगा, तो इसमें क्या आएगा, 2 इज एन इवन इंटीजर, ऐसे ही फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट में 3 आएगा, फिर 3 देखा जाएगा तो 3 में क्या आएगा, रिमाइंडर 1, तो 1 जब रिमाइंडर आएगा तो एल्स वाला चलेगा, 3 इज एन ऑड इंटीजर, ऐसे 4, ऐसे 5, तो इसको हम रन करा के देखते हैं कि आपका आउटपुट वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप रन करा के देखें इसको, तो इसमें देखो उसने क्या मांगा, एंटर एन इंटीजर, वो इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, तो इंटीजर वैल्यू हमको देनी है, तो हमने जैसे 8 इंटीजर वैल्यू दी, तो 8 का क्या रिजल्ट आया, देखो 1 इज एन ऑड इंटीजर, तो 1 इज एन ऑड इंटीजर क्यों आया, क्योंकि n की वैल्यू पहले 1 इनिशियलाइज थी, अब 1 से लेके m तक चलेगा, m की वैल्यू हमने 8 दी है, तो 8 तक चलेगा, तो 1 से लेके 8 तक, तो 1 पहले कंडीशन में जाएगा, कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, अब 1 जो है 8 तक चलेगा लूप, अब जो 1 इधर आएगा कंडीशन में, तो 1% 2 इक्वल इक्वल 0, तो 1 ही आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसलिए तुम्हारा एल्स वाला चला, तो 1 इज एन ऑड इंटीजर, देखो यहाँ 1 इज एन ऑड इंटीजर, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, इससे इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 गया कंडीशन में, यस ट्रू है, तो 2 कंडीशन में गया, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 2, अब इफ की कंडीशन में आया 2% 2 इक्वल इक्वल 0, यस 0, क्योंकि 2 का 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0, तो अब इसमें इफ वाला कोड चल जाएगा, इफ वाले कोड में क्या लिखा हुआ, 2 इज एन इवन इंटीजर, देखो यहाँ पर एन इसलिए लिखा जाता है, हमें जो भी वैल्यूज % d में स्टोर करानी होती हैं, तो उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर कॉमा दे करके लिख देते हैं इस स्ट्रिंग के, है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाता है % d की तरफ, क्योंकि % d क्या है कि हमारे वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कर रहा होता है सी में, सी इज अ स्टेटिक लैंग्वेज, तो हमको बार बार इसमें देना पड़ता है कि भाई हमारा वेरिएबल का ये टाइप है, हमको इस टाइप का वैल्यूज वेरिएबल से चाहिए, ओके okay, तो ऐसे 2 इज एन इवन इंटीजर, ऐसे 3 जाएगा तो 3 पर 1 आएगा तो एल्स वाले में आ जाएगा, 3 इज एन ऑड इंटीजर, ऐसे 4 जाएगा तो 4 में इफ वाला कोड चल जाएगा तो 4 इज एन इवन इंटीजर, ऐसे 5 जाएगा तो 5 में भी फिर 1 बच रहा है तो फिर ये वाला चल जाएगा तो 5 इज एन ऑड इंटीजर, फिर 6 जाएगा तो 6 में इफ वाला कोड चलेगा क्योंकि 6 इक्वल 0 आता है, 6% 2 इक्वल 0, तो 6 इज एन इवन इंटीजर, फिर 7 जाएगा इसमें इंक्रीमेंट होकर के, तो 7 से क्या चलेगा, एल्स वाला 7 इज एन ऑड इंटीजर, फिर 8 जाएगा, 8 इज एन इवन इंटीजर क्योंकि 8% 2 इक्वल इक्वल 0, यस 0, ओके, तो ये तो हुआ हमारा सी का प्रोग्राम, अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में भी वही हेडर फाइल बनाया हमने, हेडर फाइल बनाने के बाद ना मेन फंक्शन लिया, हेडर फाइल लिया, हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, मतलब हर एक के बाद स्टेटमेंट जब भी होता है, जैसे मेन फंक्शन का स्टेटमेंट है ये पूरा जो भी आपका प्रोग्राम लिखा जा रहा है, तो सबसे पहला मेन फंक्शन ही लिखा जाता है और मेन फंक्शन के अंदर ही सारा कोड लिखा जाता है, तो मेन फंक्शन का जो कर्ली ब्रेसेस है उससे स्टेटमेंट, तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया एम, और जो हम लूप चलाएंगे वो हम लूप के अंदर ही वेरिएबल ले लेंगे, वैसे हम वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं एन कॉमा एम, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां भी ले सकते हैं लूप में भी, ओके, तो
देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया m करके, एक वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं यूजर से। तो हमने यहाँ पर सी आउट में सबसे पहले हमने लिख दिया कि एंटर एन इंटीजर, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या है ना, सेमी कॉलन का बड़ा ध्यान रखना होता है, सी सी प्लस प्लस सी हैज में और जावा में। पाइथन में सेमी कॉलन नहीं लगाना पड़ता, वो कुछ ही रेयर केसेस में लगता है, तो वो जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगी आपको, है ना। तो अब इधर आप क्या करेंगे, देखो आपने क्या किया यहाँ पर, सी आउट के बाद एक्सेस ऑन ऑपरेटर, एक्सेस ऑन ऑपरेटर के बाद में ये आपने स्ट्रिंग दे दी एंटर एन इंटीजर, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू पर ही वर्क करना है और हमारा फंक्शन भी इंटीजर ही है, तो इसलिए हम यूजर से इंटीजर मांग रहे हैं। अब सी एन में हमने एम लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ सी एन में एम लिखा है, तो एम का मतलब है कि एम में हमको वो वैल्यू स्टोर करानी है जो वैल्यू हम यूजर से मांग रहे हैं। ओके, तो यूजर जो भी वैल्यू देगा वो एम में स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद में ये फोर लूप चलेगा, तो फोर लूप बनाया हमने, क्योंकि हमको फोर लूप पहले क्यों बनाना है, क्योंकि फोर लूप के आधार पर ही हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इवन और कौन सी ओड है। जहां इफ वाला कोड चलेगा वहां इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी फोर लूप के बाद। पहले तो फोर लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर फोर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद में इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर होती है तो इफ वाला कोड चलेगा, नहीं होती है तो एल्स वाला कोड चलेगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखो हमने फोर लूप बनाया तो इसमें इंट एन इक्वल टू वन यही डिक्लेयर कर दिया। वैसे हम इंट एन कॉमा एम यहाँ लिख सकते थे, और एन इक्वल टू वन, एन लेस देन इक्वल टू एम, और प्लस प्लस एन यहाँ लिख देते, या एन प्लस प्लस, आपको जैसे सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंट एन इक्वल टू वन और इंट लेस एन लेस देन इक्वल टू एम और प्लस प्लस एन लिया है। एम तक हम अपने लूप को चलाएंगे और एन पर हम अपने लूप को चलाएंगे। हमारा लूप क्या, वन से एम तक चलेगा, और चलेगा किस पर, एन पर, क्योंकि एन में हम बार बार वैल्यू को अपडेट करेंगे और उस वैल्यू के आधार पर हमारा लूप चलेगा। ओके, तो देखो अब हमने लूप तो बना लिया, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिए उसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिए हैं। फोर लूप स्टेटमेंट हो गया है मेन फंक्शन के अंदर, अब मेन फंक्शन के अंदर फोर लूप स्टेटमेंट, फोर लूप स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लिए हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों साथ में ही आते हैं, या फिर ओनली इफ आता है, एल्स हमेशा इफ के साथ ही आएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है ऊपर दी हुई कोई भी कंडीशन, तो उसके बाद में एल्स लगाया जाता है, जो कि आप एलिफ और नेस्टेड इफ वाले प्रोग्राम्स में आप अच्छे से समझेंगे, जो मैं आगे वीडियोस देने वाली हूँ उनके ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें देखो आप लोग को क्या करना है, इफ का पहले कंडीशन लिखना है, तो इफ का कंडीशन क्या लिखोगे, क्योंकि आपको क्या देखना है, इवन और ऑड चेक कराना है। तो इवन क्या, इवन के लिए क्या कंडीशन है, एन परसेंट टू इक्वल इक्वल जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम लूप एन पर चला रहे हैं, इसलिए हमने एन लिखा हुआ है कि एन परसेंट टू है, बार बार एन की तो वैल्यू अपडेट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लिया हुआ है। एन परसेंट टू इक्वल इक्वल जीरो होना चाहिए, तो हमारा इवन नंबर होगा, अदरवाइज हमारा ऑड नंबर होगा। ओके, तो देखो अब हमने ये ले लिया, इसके बाद में हमने क्या किया कि हमने इसमें इफ वाले कोड में इवन नंबर पता होना चाहिए, तो अब हम इसको आउटपुट स्क्रीन पे तो बताएंगे कि ये हाँ ये इवन इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो उसके लिए हमको एक सी आउट फंक्शन लेना होगा, यानी प्रिंट फंक्शन लेना होगा। तो प्रिंट फंक्शन सी प्लस प्लस सी आउट करके होता है, तो सी आउट एक्सेस ऑन ऑपरेटर और उसके अंदर इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो सबसे पहले एक्सेस ऑन ऑपरेटर के बाद एन लेंगे, क्योंकि हम किसको बता रहे हैं इज एन इवन इंटीजर, तो एन को ही तो बता रहे हैं, एन इज एन इवन इंटीजर। तो सबसे पहले सी में एन लिखा जाता है, सी प्लस प्लस में एन पीछे दिया जाता है और स्ट्रिंग पहले दी जाती है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग बाद में दी जाती है। देखो जैसा कि इसमें सो रहा है, स्ट्रिंग बाद में दी जाती है और पहले वेरिएबल पहले दिया जाता है कि हमको ये वेरिएबल उसकी वैल्यू चाहिए, उसके बाद में हमको ये स्ट्रिंग चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रिंग पहले चाहिए और बाद में वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं,
लेकिन सी में क्या होता है, सब उसमें तो सिर्फ परसेंट डी का खेल होता है, या फिर परसेंट सी या परसेंट डी, जो भी आपको जिस टाइप का वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है उसका खेल होता है। और बाकी परसेंट डी को ही आगे पीछे उसमें स्ट्रिंग में कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग पहले दोगे उसके बाद में आप वेरिएबल नेम दोगे। ओके, तो ये तो वो अपना कि कैसे अपन प्रिंट फंक्शन वर्क करता है अपना। अब हम बात करते हैं कि लूप जो चलेगा वो कैसे चलेगा। ओके, तो लूप कैसे चलेगा। सबसे पहले लूप की वैल्यू एन इक्वल्स टू वन है, तो वन जो है वो हमारी इस कंडीशन में जाएगी, एन इज लेस देन इक्वल्स टू वन। वो एम की वैल्यू हमने जैसे 4 दी, तो इसकी वैल्यू 1 है और एम की 4 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस है, तो कंडीशन ट्रू हुई, सेटिस्फाइड हुई, तो इसमें गया है वाले में। अब इफ वाले ने कंडीशन चेक की, पहले वही कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है, तो पहले उसने कंडीशन चेक की, एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, तो उसने देखा कि 1% 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं हो रहा है, बन आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर बन आ रहा है, तो उसने एल्स वाला कोड चला करके सी आउट का मतलब उसने प्रिंट करा दिया, एन इज एन ऑड इंटीजर, तो एन की वैल्यू जो भी है 1 है, तो 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर अब जाएगा इधर इंक्रीमेंट में, इंक्रीमेंट में गया उसने, इंक्रीमेंट किया 2, 2 गया हमारा कंडीशन में, कंडीशन में ही जाता है लूप का चलने का सिस्टम ही यही होता है, मैंने आपको बताया अभी था लूप वाली वीडियोस में, कि बस कंडीशन और अपडेशन, कंडीशन अपडेशन, कंडीशन इटरेशन में ही लूप घूमता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। जैसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है या फेल हो जाती है, उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 ही अपडेट होके वैल्यू, 2 कंडीशन में गया, 2 कंडीशन में गया तो वो सेटिस्फाइड था, अभी 4 माना है अपन ने, तो 4 तक चलेगा, तो 2% 2 इक्वल इक्वल 0 यस है, तो 2 इज एन इवन इंटीजर, इफ वाला कोड चल जाएगा। अब फिर अपडेट होगा 3, 3 फिर कंडीशन में जाएगा, फिर चेक करेगा n% 2 इक्वल इक्वल 0 यस बना रहा है, तो फिर एल्स वाला कोड चल जाएगा, 3 इज एन ऑड इंटीजर। ऐसे ही फिर 4 जाएगा, 4 इज एन 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो अब इसमें कोड में जाएगा, तो 4% 2 इक्वल इक्वल 0 यस, तो 4 इज एन इवन इंटीजर। तो इसको हम रन करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रन कराने में रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 दिया हमने जैसे, तो देखो 1 इज एन ऑड इंटीजर, वही आया 1 to 4, देखो 1 इज एन इवन इंटीजर बन गया पहले इसमें, तो 1 रिमाइंडर बच रहा था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर रिमाइंडर 1 आता तो एल्स वाला कोड चलेगा, रिमाइंडर अगर 0 आता तो इफ वाला कोड चलेगा, तो 1 में रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो इसलिए इसमें क्या आया, 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर रिमाइंडर, फिर 2 गया, तो 2 में क्या आया, 2 इज एन इवन इंटीजर, 2 इज एन इवन इंटीजर। फिर 3 गया, 3 इज एन ऑड इंटीजर, 3 इज एन ऑड इंटीजर, 3 इज एन ऑड इंटीजर। ऐसे ही फिर 4 गया, तो 4 इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि % 2 इक्वल 0। ओके, 2 की टेबल जो भी है आएगा, 2 की टेबल में सब % 0 होगा, तो आपका इवन और ऑड पता चल जाएगा। परसेंट अगर आपका बन आता है 2 से, तो आपका ऑड होता है, क्योंकि 1 या 0 ही आना होता है, तो वही है ये सब, आप समझ ही गए होंगे। 7 इज एन ऑड इंटीजर क्योंकि 1 बच रहा है, 6 इज एन इवन इंटीजर क्योंकि 0 आ रहा है रिमाइंडर, 5 इज एन ऑड इंटीजर, तो वही है कि बन गया, फिर 2 गया, अपडेट होके 2 कंडीशन में गया, फिर इधर इफ में कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इफ वाला, और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो एल्स वाला, बस यही है C++ के प्रोग्राम में। अब हम सी हैज का प्रोग्राम देखते हैं, तो सी हैज के प्रोग्राम में भी कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने यूजिंग सिस्टम लिया है, देन हमने नेम स्पेस कंडीशनल लिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट चला रहे हैं, वो भी कौन से वाले, इफ एल्स स्टेटमेंट चला रहे हैं कंडीशनल में। ओके, वो हम बात अलग है कि लूप के अंदर चला रहे हैं, लेकिन चला हम कंडीशनल स्टेटमेंट से रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर आप जैसे क्लास का नेम आपने इफ एल्स स्टेटमेंट लिया है, उसका नाम आप कुछ और भी ले सकते हैं, लूप स्टेटमेंट भी ले सकते हैं,
आपका जो मन है आप वो भी ले सकते हैं। क्लास का नेम बाय डिफॉल्ट होता है, आप जो भी लेंगे आपका प्रोग्राम अफेक्टेड नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन लिया है, और वॉइड मेन जो मैन फंक्शन है, मेन फंक्शन में ही हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है, चाहे वो सी का हो या सी प्लस प्लस का हो या सी हैस का हो। और जावा में मेथड्स होते हैं फंक्शन की जगह, तो वो वॉइड मेन मेथड्स पे लिखा जाता है, यानी कि कोई ना कोई मेन मेथड होगा जावा का, उसी पर ही उसका प्रोग्राम लिखा जाएगा। और सी और सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वो हमेशा मेन फंक्शन में ही लिखा जाता है, सी सी प्लस प्लस सी हैस का। तो हमने यहाँ पर void main फंक्शन लिया है, इसको इसी तरह डिफाइन किया जाता है, public static void main string args। ओके, अब इसके बाद में हमने क्या किया, console dot write line enter an integer, हमको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, वो भी यूजर से इनपुट करानी है, और उसके बाद में हमने m में उस वैल्यू को स्टोर कराया, क्योंकि हम m तक उस लूप को चलाएंगे, इसलिए हमने m में उस वैल्यू को स्टोर कराया है। तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, तो देखो हमने यहां तक लिया कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एन इंटीजर, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा आपका, एंटर एन इंटीजर। तो आपने इंटीजर वैल्यू जैसे आपने दी 4, अब आपने जो 4 वैल्यू दी तो 4 वैल्यू एम में स्टोर होगी, तो कैसे होगी, सबसे पहले रीड लाइन से रीड करेगा 4 कंसोल और रीड लाइन से। अब वो जो 4 है उसको कन्वर्ट डॉट टू इंट से 32 से, क्योंकि 32 बिट का इंटीजर होता है ना। ये कीवर्ड्स के इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग को जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो मैं आपके लिए वो वीडियो अभी भी बना सकती हूँ। तो देखो इसमें क्या है, कन्वर्ट डॉट इंट 32, तो इंट 32 क्यों लिया है, क्योंकि 32 बिट का हमारा इंटीजर होता है, तो हमने उसमें उस 4 जो वैल्यू थी उसको कन्वर्ट करा दिया इंटीजर में, और इसमें इंट एम में स्टोर करा दिया, यानी वेरिएबल जो हमारा है वो इंटीजर टाइप है, उसमें हमने 4 उसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करानी थी, इसलिए हमने कन्वर्ट डॉट इंट 32 से हमने उसको कन्वर्ट करा दिया इंटीजर में, और उस वैल्यू को हमने एम में स्टोर कर दिया। ओके, इस एम में वैल्यू को स्टोर कर दिया। ओके, अब उसके बाद में हमने क्या किया, फोर लूप लगाया हुआ है इसमें, तो फोर लूप में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, फोर लूप वही सेम जैसे हमने सी में, सी प्लस प्लस में, सी है में भी हमने वही लगाया जो हमने सी और सी प्लस प्लस में लगाया था, वही सब कंडीशंस है, वही सब है, केवल प्रिंट फंक्शन चेंज किया है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन सी में प्रिंट एफ होता है, तो इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन होता है, और सी प्लस प्लस में सी आउट होता है। ओके, तो हमने वो ही चेंज किया है, बाकी सब सेम ही है। तो हमने यहाँ फोर लूप लिया, फोर लूप में हमने वैल्यू क्या ली, एन इंट एन इक्वल्स टू 1, एन लेस देन इक्वल्स टू 4 और एन प्लस प्लस। ओके, तो ये वर्क कैसे करेगा कि एन इक्वल्स टू 1, 1 जो है हमारा कंडीशन में जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इफ में जाएगा। अब इफ जो हमने कोड लिखा है वो क्या लिखा है, एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0, तो एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 है, यस है, नहीं है, क्योंकि बन रिमाइंडर तो बन आ रहा है ना, तो रिमाइंडर बन आ रहा है, तो हमारा ये एल्स वाला कोड चलेगा। एल्स वाले कोड में क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन एन की वैल्यू जो भी है, यानी बन इज एन ऑड इंटीजर। अब उसके बाद में जो बन है वो इधर जाएगा इटरेटर में, इटरेटर में जा करके बन से अपडेट होकर के 2 हो जाएगा, क्योंकि तो हमने यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है। इटरेटर में 2 ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे हमने लूप की वीडियो में भी सीखा था, तो यहाँ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, इसलिए हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई 1 से और अपडेट हुई 1 से, और 2 हुई, और 2 हमारा कंडीशन में जाएगा, कंडीशन से 2 जाएगा, तो 2 हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 2 हमारा जो है 2% 2 इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, यस हो रहा है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन इफ वाला कोड चल जाएगा, तो एन एन की वैल्यू क्या, 2 इज एन इवन इंटीजर। फिर ऐसे ही हमारा फिर इटरेटर में जाएगा, इटरेटर में जाएगा तो 3 हो जाएगा,
अब थ्री फिर कंडीशन में जाएगा, 3% 2 इक्वल 0 है, नहीं है तो ये वाला कोड चल जाएगा, 3 इज एन ऑड इंटीजर। फिर यहाँ इटरेटर में जाएगा 4, 4 जाएगा इटरेटर में, 4 की कंडीशन चेक की जाएगी, यस 4 इक्वल है, और फिर कंडीशन में जाएगा 4% 2 इक्वल 0 हो रहा है, यस हो रहा है, तो 4 इज एन इवन इंटीजर। अब जैसे ही 5 होगा इटरेटर से और कंडीशन चेक करेगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। देखो हम लूप को चला करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है ना। तो देखो इसमें क्या किया है, अब ये इसने क्या मांगा, एंटर एन इंटीजर, हमसे ये एक इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। कहाँ से ये स्ट्रिंग कहाँ से प्रिंट हुई, यहाँ से कंसोल डॉट रेड लाइन से हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई एंटर एन इंटीजर। क्यों कराई, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए यूजर से, इसलिए हमने ये स्ट्रिंग प्रिंट कराई है। अब उसके बाद में एम में वैल्यू स्टोर होगी, तो एम में वैल्यू कैसे स्टोर होगी, हमने यहाँ जैसे 8 दिया, तो अब जो 8 दिया है वो 8 क्या करेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन से पहले पढ़ेगा उसको, यानी कि लेगा, और उसके बाद में कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 से उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में उस नंबर को एम में स्टोर कर देगा। ओके, तो इसमें जो वेरिएबल में जो वैल्यूज स्टोर कराई जाती हैं यूजर द्वारा, तो उसको पहले उस टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 का यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ एम में स्टोर हो गई वैल्यू। अब एम में स्टोर होने के बाद में एन इक्वल्स टू 1, एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, तो अब जो एम की वैल्यू है वो यहाँ एम फेच कर लेगा। तो एम क्या फेच करेगा, ये जो हमने 8 वैल्यू दी है वो फेच करेगा। अब उसने जैसे 8 वैल्यू दी, उसने 8 फेच किया, अब यहाँ आ गया 8, तो एन इज लेस देन इक्वल्स टू 8। अब एन इक्वल्स टू 1 है तो 1 इधर जाएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, यस 8 से छोटा है यानी लेस देन है, तो ये इफ वाला कोड चलेगा, इफ वाला कोड चलेगा या नहीं चलेगा ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो एन परसेंट टू इक्वल 0 है, अगर 1 8 से छोटा है वो तो ठीक है, लेकिन वो एन परसेंट टू इक्वल 0 यानी 1% 2 इक्वल 0 है, नहीं है, इसलिए हमारा एल्स वाला चलेगा। कंसोल डॉट रेड लाइन एन इज एन ऑड इंटीजर, तो एन की वैल्यू क्या है, 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर ऐसे ही हमारा जो है इटरेटर में जाएगा, अपडेट होगा 2 से, 2 से जो अपडेट हुआ वो वैल्यू जाएगी कंडीशन में। कंडीशन में जाने के बाद 2% 2 इक्वल 0 है, यस है, तो ये वाला कोड चल जाएगा, 2 इज एन इवन इंटीजर। फिर हमारा इटरेटर में जाएगा, 3 होगा अपडेट होकर, फिर 3 जाएगा कंडीशन में, फिर कंसोल डॉट रेड लाइन से 3 इज एन ऑड इंटीजर, ऐसे करके हमारा 8 तक चलेगा। देखो हम चला के देखते हैं, तो ये आ गया, देखो बन गया पहले, तो बन बन पर रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर 2 गया तो 2 पर रिमाइंडर नहीं बच रहा था, तो इसलिए इवन इंटीजर। फिर 3 गया तो 3 पर फिर बन रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए ऑड इंटीजर। फिर 4 गया तो 4 पर बन रिमाइंडर नहीं बच रहा था, इसलिए इवन इंटीजर। ऐसे ही 5 पर रिमाइंडर बच रहा था तो ऑड इंटीजर, 6 पर नहीं बच रहा था तो इवन इंटीजर, ऐसे ही हमारा लूप वर्क करता है। तो आप, उम्मीद है आप सी एस का भी प्रोग्राम सीख गए होंगे और समझ गए होंगे कि फॉर लूप और एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करके क्या प्रोग्राम बनाया जाता है सी, सी प्लस प्लस और सी एस का। अब हम देखते हैं जावा और पाइथन का। ओके, तो जावा में सबसे पहले हमने स्कैनर फाइल ली है, क्योंकि हम यहाँ पर यूजर से इनपुट करा रहे हैं। ये जो स्कैनर फाइल जो हमने ली है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर, क्योंकि इसमें हेडर फाइल नहीं होती, इसमें लाइब्रेरीज होती हैं, तो हमने लाइब्रेरी एक जावा की कॉल की है जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर करके। उसके बाद में एक क्लास बनाई है सम नेचुरल करके, आप इस क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं, फेल्स स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में हम ने यहाँ पर बॉयडमैन फंक्शन को कॉल किया है। बॉयडमैन फंक्शन कॉल करने के बाद हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है एंटर एन इंटीजर, जैसे हमने सी सी प्लस प्लस सी एस में कराई थी वैसे ही हमने यहाँ पर कराई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, और प्रिंट कराने के बाद हमने उस स्ट्रिंग को स्टोर कराना है एक वेरिएबल में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्कैनर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और उस ऑब्जेक्ट में हमको वो वैल्यू लेनी होगी।
तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको वैल्यू लेने लायक बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर माय ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, यानी कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं, उससे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्कैनर माय ऑब्जेक्ट से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद में न्यू डॉट स्कैनर, न्यू स्कैनर से आपने एक नया स्कैनर, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट माय ऑब्जेक्ट बनाया उसमें एक स्पेस क्रिएट किया न्यू स्कैनर से। और सिस्टम डॉट इन मतलब उसके अंदर हमको कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करानी है, इसलिए हमने पर्टिकुलर स्पेस दे दिया उसको, है ना। अब इधर हमने क्या किया, एम नाम का एक वेरिएबल बनाया इंट एम करके, उस वेरिएबल के अंदर हमने माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि यहाँ पर सिस्टम डॉट इन मतलब यहाँ पर हम जो वैल्यू दे रहे हैं इंटीजर वैल्यू, हमने जैसे 4 दी, तो 4 जो है हमारी इस माई ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई सिस्टम डॉट इन से, है ना। न्यू स्कैनर बनाया, स्पेस बनाया, सिस्टम डॉट इन से हमने जो वैल्यू दी वो हमारी माई ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई। अब माई ऑब्जेक्ट में तो स्टोर हो गई, लेकिन हमको एक वेरिएबल बनाना होगा, उस वेरिएबल में स्टोर करानी होगी बार बार। हम ऐसे कैसे माई ऑब्जेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं प्रोग्राम में, इसलिए हमने यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट से इंटीजर में कन्वर्ट किया उस वैल्यू को, 4 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा के इंटीजर वेरिएबल जो हमने बनाया एम करके, उसमें हमने उस वैल्यू को स्टोर कराया है। ओके, तो अब जो 4 हमारा इंटीजर वैल्यू बन गया, अब वो हमारा वो लूप फेच करेगा। लूप कहाँ पर फेच करेगा, कंडीशन में एम दिया हुआ है हमने, एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, तो एम की वैल्यू हमने 4 दी थी, तो 4 हमने यहाँ पर ली, 4 हमने यहाँ स्टोर करा दी, तो 4 हमारा जो फोर लूप है वो यहाँ फेच कर लेगा 4, और एन की वैल्यू हमने इधर बन दी है, एन को भी इंटीजर यहीं के यहीं अपने डिक्लेयर कर दिया है। अब बन जो वैल्यू है एन की, पहले यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन में कि भाई बन इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस। तो अब इफ कंडीशन में जाएगा, इफ कंडीशन पहले चेक करेगी कंडीशन कि भाई हमारे पास जो कंडीशन वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो देखेगी एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 है, नहीं है क्योंकि बन रिमाइंडर आ रहा है, तो एल्स वाला चल जाएगा, बन इज एन ऑड इंटीजर। फिर इंक्रीमेंट होगा यहाँ से इटरेटर से, और 2% 2 यानी 2 पहले कंडीशन में जाएगा, 4 से छोटा है तो 2% 2 इक्वल इक्वल 0, यस 0, तो 2 इज एन इवन इंटीजर। फिर यहाँ से अपडेट होगा 3, 3 फिर कंडीशन में जाएगा, फिर इसमें जाएगा कंडीशन में, तो फिर एल्स वाला चल जाएगा क्योंकि 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3% 2 इक्वल इक्वल बनाता है, और रिमाइंडर हमको चाहिए 0, तो ही हमारा इफ वाला कोड चलेगा। ओके, अब फिर से इटरेट होगा यानी अपडेट होगा, 4 4 जाएगा, तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू, यानी 4 इक्वल्स टू 4, तो ऐसे ही हमारा लूप चलेगा, और 5 जैसे जाएगा मतलब हमारा इफ वाला कोड चल जाएगा, क्योंकि 4% 2 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है। अब उसके बाद में इफ वाले कोड में क्या आएगा, 4 इज एन इवन इंटीजर, उसके बाद हमारा लूप चल जाएगा। अब चलो हम इसको रन करा के और देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो देखो उसने क्या मांगा, एंटर एन इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू हमको देनी है, हमने 6 दे दी। अब उसने 6 को प्रिंट करा दिया, बन इज एन ऑड इंटीजर, क्यों कराया, क्योंकि बन जब वैल्यू इसमें गई कंडीशन में तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन जब इस कंडीशन में बन वैल्यू गई इस कंडीशन में तो सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि बन जो है बन परसेंट टू बन आता है ना कि 0, इसलिए हमारा ये वाला प्रिंट हुआ, बन इज एन ऑड इंटीजर। ओके, फिर हमने जो 2 वैल्यू हमारी यहाँ से अपडेट हुई इटरेटर से, वो 2 वैल्यू जब कंडीशन में गई, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुई, लेकिन ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए 2 इज एन इवन इंटीजर। अब हमारा यहाँ से फिर अपडेट हुआ 3, 3 जो है हमारा इधर गया कंडीशन में, कंडीशन में क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, क्योंकि 6 तक तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी है, फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई 3 के लिए, और ये कंडीशन के फुलफिल नहीं हुई तो एल्स वाला चल गया। ओके, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6, 6 जो है कंडीशन फुलफिल कर देगा, और 7 होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है, 1 इज एन ऑड इंटीजर, 2 इज एन इवन इंटीजर, 3 इज एन ऑड इंटीजर, 4 पे वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है तो 4 इज एन इवन इंटीजर, 5 पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कंडीशन तो 5 इज एन ऑड इंटीजर, और 6 पर सेटिस्फाइड हो रही है तो 6 इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जावा का प्रोग्राम, कि जावा में भी वही सब होता है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, प्रोग्राम में लूप बनाना है आपको, और लूप के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट बनाने हैं, यानी लूप में कंडीशन देनी है आपको कि कहाँ तक लूप चलाना है, और फिर उसके बाद में इफ में वो कंडीशन देनी है जो कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करानी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है तो आप उसको क्या कहेंगे, तो
तो आप उसके लिए क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो वो लिख देंगे इसमें, इससे वो प्रिंट होके आ जाएगा। अगर इफ वाला कोड चलता है तो बेलन कोड, अगर नहीं चलता है तो एल्स वाला कोड चलेगा। ओके, यही होता है इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब हम पाइथन में देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो पाइथन में हमने क्या किया है, दे देखो, चलो तो देखो इसमें क्या किया है हमने, एम लिया है, एम नेम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम यूजर से इंटीजर टाइप इनपुट कराएंगे। क्या वह इनपुट कराएंगे, एंटर एन इंटीजर। तो हमने ये एक स्ट्रिंग उस पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे, जिससे यूजर हमें इंटीजर टाइप वैल्यू देगा। ओके, तो देखते हैं इसको रन करा के क्या है। तो इसने क्या मांगा, एंटर एन इंटीजर, इसने एंटर एन इंटीजर मांगा। अब यहाँ जो स्पेस है ना, इस स्पेस में हम यहाँ वैल्यू देंगे, जो भी हमको वैल्यू देनी है। जैसे हमने 7 दे दी, तो ये 7 जो वैल्यू है इनपुट हो जाएगी इसमें, और इंटीजर टाइप में कन्वर्ट भी हो जाएगी, और एम में 7 स्टोर हो जाएगा। अब फोर लूप जो है ना, एन इन रेंज एम, तो कहाँ तक चलेगा, एन की वैल्यू क्या है, 0। फिर फोर लूप जो भी है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी लूप चलाते हैं या फिर रेंज देते हैं, तो वो 0 से स्टार्ट होती है ना। तो 0 इन रेंज एम, 0 से एम तक जाना है। तो 0 अभी एम की रेंज में है, क्योंकि एम की रेंज हमने 7 दी है, तो 7 की रेंज में है। तो 0 एन परसेंट टू 0 0 0, तो 0 रहेगा। 0 भी हम, या तो ना इवन होता है ना ऑड होता है, 0 तो न्यूट्रल होता है ना। वैसे अपन यहाँ, मैं ट्राई करके देख रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ हम एन इक्वल्स टू 1 इन रेंज, ये नहीं चलेगा एक्चुअली। यहाँ मैं ट्राई कर रही थी, बस मुझे नहीं पता था यहाँ एरर देता है। मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगी जिसमें 1 से चलेगा, क्योंकि 1 क्या है, 0 क्या है ना, 0 ना इवन होता है ना ऑड होता है, तो वो 0 को ज्यादातर इवन इंटीजर ही देगा, क्योंकि एन परसेंट टू 0, 0% टू रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो वो वही देगा, है ना। तो चलो हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 दिया, तो अब 6 दिया तो 6 इन रेंज एम, यस 0 इज इन रेंज एम, यस है, तो 0% टू 0 0 ही आएगा। अब 1 होगा, इसकी वैल्यू अपडेट होगी, तो 1 होगा, तो 1 इन रेंज एम, तो 1 इज एन ऑड इंटीजर, क्योंकि 1% 2 जो भी है, 1% 2 जो भी है वो 1 ही आएगा, वो अपना एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा, 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर अपडेट होगा 2, 2 इज एन रेंज एम, यानी कि 2 इज एन रेंज 6, यस, तो 2% 2 इक्वल इक्वल 0, 2 इज एन इवन इंटीजर। ओके, फिर अपडेट होगा 3, 3 इन रेंज 6, यस, एम की वैल्यू 6 है ना, तो 6, तो 3 देखेंगे फिर इफ कंडीशन में, तो %1 आएगा, तो 1 अगर रिजल्ट आ रहा है रिमाइंडर का, तो फिर एल्स वाला चलेगा, 3 इज एन ऑड इंटीजर। फिर अपडेट होगा 4, 4 जाएगा, 4 इन रेंज एम, यानी 6, यस है, तो 4% 2 इक्वल इक्वल 0, यस, तो इफ वाला कोड चल जाएगा, 4 इज एन इवन इंटीजर। फिर ऐसे 5 जाएगा, 5 इन रेंज एम, यस, पर एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 1 आ रहा है, क्योंकि 5% 2 इक्वल इक्वल 1, रिमाइंडर 1 है, इसलिए यहां पर आएगा 5 इज एन इवन इंटीजर। फिर जाएगा 6 इन रेंज एम, नो, क्योंकि 6 एक लेस देन तक चलता है, पाइथन में लूप जो है वो लेस देन तक ही चलता है, इक्वल में नहीं जाता है ना। इक्वल वाला लूप अलग से लिखा जाता है, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। अब देखो हम इस लूप को चलाकर देखते हैं कि कैसे चलता है। तो ये एंटर एन इंटीजर तो यहाँ से आ गया, इनपुट हो गया, फिर एम में इनपुट हो गया, वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे हमने यहाँ 6 लिया था, 6 का एग्जाम्पल लिया था, तो 6 ही हम ले लेते हैं। तो देखो 0 इज एन इवन इंटीजर बताया, जैसे मैंने बताया था एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 आता है, तो वो 0 को, 0% 2 भी 0 ही आता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो जो भी अपने कंपाइलर होते हैं वो इवन इंटीजर बताते हैं, लेकिन वो इवन या ऑड नहीं होते हैं। ओके, 0 तो 0 ही होता है, तो वो न्यूट्रल भी माना जाता है। अब 1 जो है, 1 इज एन ऑड इंटीजर, 1 जो है अपना ऑड इंटीजर क्यों है, क्योंकि एन परसेंट टू 1 जो है 1 आएगा, इसलिए एल्स में ऑड इंटीजर।
और जो टू हमारा है, 2% टू जीरो आएगा, इसलिए टू इज एन इवन इंटीजर। इफ वाला कोड चलेगा, या इफ वाला कोड चलेगा या एल्स वाला कोड चलेगा, ओनली एक ही कोड चलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि दोनों कोड साथ चला सकते हो, इफ एल्स में हमेशा एक ही कोड चलता है, चाहे वो इफ वाला चले या एल्स वाला चले। ओके, ऐसे थ्री इज एन ऑड इंटीजर, फोर इज एन इवन इंटीजर, फाइव इज एन ऑड इंटीजर। जैसे ही सिक्स हुआ, लूप टर्मिनेट हो गया, क्योंकि सिक्स क्या है, यहाँ जो है पाइथन में लूप लेस देन वन वाला चलता है। जब भी हम रेंज देते हैं तो फोर लूप जो है हमारा लेस देन वन में ही चलता है। ओके, तो ये तो हुए हमारे पाइथन का प्रोग्राम। तो सी, सी प्लस प्लस, सी है, जावा, पाइथन का आपने फोर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप का जो भी लूप के हेल्प से, इफ एल्स स्टेटमेंट से आपने किस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये आपने समझा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सी, सी प्लस प्लस, सी है, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से इंटीजर नंबर में से, इंटीजर में से इवन और ऑड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसके प्रोग्राम को रन कैसे कराया जाता है, और इसके प्रोग्राम कैसे सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फाइंडिंग लेटेस्ट अपडेटेड ऑफ माय चैनल, और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फाइंडिंग इजीली माय न्यू लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।